टमाटर की तरह हो गए ब्लीच यूज करने से। क्या ब्लीच यूज करने के बाद आपकी स्किन जलने लगती है या फिर लाल टमाटर हो जाती है या फिर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको ब्लीच यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और ब्लीच यूज करना क्या इतना ज्यादा? आज ब्लीच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करने के साथ साथ आपको हैरान कर देंगी। गाइज ऐसा नहीं कि मैंने 3-4 आर्टिकल्स पढ़े और फिर जाके मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे माइंड में भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस दौड़ते रहते थे, तो मैंने स्किन स्पेशलिस्ट से इस बारे में बात की और उन्होंने जो मुझे ब्लीच के ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करी वही इन्फॉर्मेशन मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ना तो इसे अभी के अभी लाइक करो और इसे 25,000 लाइक्स तक पहुंचाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। सो गाइज ब्लीच होती क्या है? सो ब्लीच हमारे हेयर कलर को लाइटन करता है। काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लीच यूज करने से उनकी स्किन काफी ज्यादा गोरी हो जाएगी, जो कि सच बिल्कुल भी नहीं है। ब्लीच हमारे फेशियल हेयर को गोल्डन कलर में चेंज कर देता है जिससे कि हमारे फेस में जितने भी हेयर दिखते हैं वो कम नोटिसेबल हो। क्या हमें ब्लीच लगानी चाहिए? काफी सारे लोग अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए वैक्सिंग कराते हैं, तो आप वैक्सिंग की जगह ब्लीच यूज कर सकते हैं क्योंकि वो आपके डार्क हेयर को लाइटन करता है जिससे आपकी जो स्किन टोन है वो इवन हो जाती है। क्या ब्लीच हमारी स्किन के लिए सेफ है? गाइज आप कोशिश करें कि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर आपकी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप ब्लीच को बिल्कुल भी यूज ना करें क्योंकि इससे आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। काफी सारे लोग अपने फेशियल हेयर को और अपने बैक हेयर को रिमूव करने के लिए वैक्सिंग कराते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन इरिटेट हो जाती है और उनकी स्किन पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, तो आप वैक्सिंग की जगह ब्लीच को यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके डार्क हेयर को गोल्डन कलर में चेंज कर देता है। इसके साथ साथ वो आपकी स्किन को इरिटेट भी नहीं करता। क्या ब्लीच हमारे चेहरे को जला देती है? आप ब्लीच को अपने चेहरे पे लगाने से पहले उसका एक पैच टेस्ट ले, उसे आप अपने हाथ पर या फिर नेक पर अप्लाई करके देखें। उसके बाद अगर वो आपकी स्किन को इरिटेट करता है, इसका मतलब है कि वो आपकी स्किन पे सूट नहीं कर रहा है, तो आपको उस ब्लीच को यूज नहीं करना है। और अगर ब्लीच आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करती है तो आप ब्लीच को आराम से यूज कर सकते हैं। ब्लीच को यूज करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले आप अपने पैसे बचाने के चक्कर में कोई भी घटिया ब्लीच को अपने फेस पे बिल्कुल भी ना लगाएं। उसके बाद आप ब्लीच की एक्सपायरी डेट को चेक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश करके क्लीन कर ले ताकि आपके फेस पे जरा सी भी डर्ट बिल्कुल भी ना रहे। उसके बाद आप अपने फेस को पैड ड्राई कर ले, मेक श्योर कि आपका फेस गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप एक बाउल में ब्लीच और पाउडर को जितनी क्वांटिटी उस पैकेजिंग में दी है उसके हिसाब से उन दोनों प्रोडक्ट्स को अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद आप ब्लीच को अपने फेस पर किसी भी स्पैचुला या फिर सिंथेटिक ब्रश की मदद से अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर ले। आप इस बात का ध्यान दें कि आप ब्लीच को अपनी आईज और अपने लिप्स पे बिल्कुल भी ना लगाएं। यूजुअली हम ब्लीच को 10-15 मिनट्स तक रखते हैं, तो आप उस ड्यूरेशन में किसी भी स्पैचुला की मदद से अपनी ब्लीच को रिमूव कर ले। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो स्किन है वो इरिटेट हो सकती है। इसके बाद आप साफ पानी से अपने फेस को क्लीन कर ले और उसे पैड ड्राई करके अपना कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ले। क्या आपको ब्लीच करानी चाहिए अगर आपको एक्टिव एक्ने है? नो, आपको अपने फेस पे ब्लीच बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इससे आपके फेस पे इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है जिससे आपकी एक्ने प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाती है। हम ब्लीच को कितनी बार यूज कर सकते हैं? वैसे तो आपको ब्लीच अपने फेस पे मंथ में सिर्फ एक ही बार यूज करनी चाहिए, उसके बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हुए जाए, और ये आपके हेयर ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है कि आपके हेयर को कितनी जल्दी ब्लीच की नीड है। तो कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो? अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी बगल वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो कभी भी मिस ना कर पाए। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें।